हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आनंद और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे तजाकिस्तान की फेमस सिंगर नोजिया करामतुल्लो के बारे में, जिनके सिंगिंग की तारीफ तो होती ही है, लेकिन वह खूबसूरती के लिए भी खूब जानी जाती हैं। वैसे तो नोजिया एक तजाकिस्तानी सिंगर है, लेकिन वह ताजिक भाषाओं के अलावा पर्शियन और हिंदी भाषाओं के गाने भी गाती हैं। नोजिया करामतुल्लो तजाकिस्तान के होने के कारण वह ताजिक भाषाओं के गाने ज्यादातर गाती हैं। उनका भाषा हिंदी नहीं है, फिर भी वह हिंदी गानों को इतनी खूबसूरती से गाती है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वह हिंदी भाषी नहीं है। वह हिंदी गाने के उच्चारण भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है। नोजिया करमतुल्लो के कुछ हिंदी गाने हैं। नोजिया करामतुल्लो के हिंदी गानों को अगर आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम जानेंगे नोजिया करामतुल्लो के बारे में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोजिया करामतुल्लो का जन्म तजाकिस्तान के दुशांबे में 7 फरवरी 1988 को हुआ है। उनके पिता भी एक फेमस तजाकिस्तानी सिंगर थे, जिनका नाम करामतुल्लो करवोनोव है। लेकिन साल 1992 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जब वह एक शादी समारोह से रिटर्न हो रहे थे। शादी समारोह से रिटर्न होते समय ही तजाकिस्तान के यवन जिले में एक सिविल वार हुआ, जिसमें उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के मृत्यु के समय नोजिया सिर्फ 4 साल की थी। उनका एक भाई भी है, जिनका नाम रोफ करामतुल्लो है, और रोफ करामतुल्लो भी एक फेमस तजाकिस्तानी सिंगर है। नोजिया करामतुल्लो के सिंगिंग की बात करें तो उनकी पूरी फैमिली ही सिंगिंग से बिलोंग करती है। नोजिया करामतुल्लो मैरिड है और उनकी एक बेटी भी है। हालांकि नोजिया ने कभी भी पब्लिकली अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं बताया है। नोजिया करामतुल्लो की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नोजिया अपनी स्कूलिंग तजाकिस्तान से ही की है। वह साल 2005 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्लासिक सिंगिंग और डांसिंग सीखने के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली में आने के बाद नोजिया कथक में ट्रेन डांसर बन गई और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया करामतुल्लो के कैरियर के बारे में। नोजिया करामतुल्लो को शुरू से ही गायन का शौक था, क्योंकि उनके फैमिली में पहले से ही लोग गायन के शौकीन थे, इसलिए उन्हें अपने फैमिली से ही यह सब छोटी उम्र से ही सीखने को मिल गया था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, नोजिया ने दिल्ली से क्लासिकल सिंगिंग और डांसिंग में डिप्लोमा की और ट्रेन सिंगर और डांसर बनी। दिल्ली में ही क्लासिकल संगीत सीखने के बाद वह लाइव कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने लगी थी। उसके बाद नोजिया अपना पहला तजाकिस्तानी सॉन्ग कूजो कूजो गाया। अपने पहले ही ताजिक सॉन्ग से नोजिया को तजाकिस्तान में काफी सराहना मिली और उनके गाने को लोग खूब पसंद भी किए। कुजो कुजो गाने के बाद उनका गाना दीदाए दिल ने तजाकिस्तान में काफी धूम मचा दिया और नोजिया रातों रात तजाकिस्तान की पॉप सिंगर में शुमार हो गई। नोजिया बीच बीच में अपने हिंदी गाने को यूट्यूब पर डालते रहती हैं और उनके गाने काफी वायरल भी होते रहते हैं। नोजिया न्यू ईयर पार्टी, लाइव कंसर्ट, रेडियो और टीवी के लिए देश के विभिन्न भागों में परफॉर्मेंस भी देती है। अगर उनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है और उनका वजन 54 केजी है। वहीं उनके बॉडी मेजरमेंट 34, 24 और 33 है। उनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और बालों का रंग भी ब्राउन है। दोस्तों, नोजिया करामतुल्लो काफी खूबसूरत है और उससे भी कहीं खूबसूरत उनकी आवाज है, जिसके काफी फैंस भी है। नोजिया करामतुल्लो के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।